बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल स्टडी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6। सो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी रीडिंग कर रहे थे विद ट्रांसलेशन निको बॉबिनस। इसमें हमने निको बॉबिनस के बारे में पढ़ा और उनकी फ्रेंड जो रॉजी हैं उनके बारे में पढ़ा कि वो एक मुहिम के लिए निकलते हैं ड्रैगन्स की लैंड को फाइंड आउट करने के लिए। और देन क्या होता है कि वो एक बाग में एक कुत्ते के साथ अटक के गिर जाते हैं और उनके बंस और जो लेमनेड जो उनका रास्ते का सामान होता है वो वहाँ पे गिर जाता है और वो जो डॉग होते हैं वो उसको ले डॉग जो होता है वो उसको लेके भाग निकलता है अपने दोस्तों को बताने के लिए। टुडे वी विल स्टार्ट एट पेज नंबर 7। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाइज, सेड रोजी ग्लूमली। रॉजी ने उदासी से कहा कि हम सप्लाईज़ के बगैर, यानी कि रास्ते के सामान के बगैर, हम मज़ीद आगे नहीं जा सकते हैं। सो आई वंडर इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इनमें से कुछ पिक कर लूँ, ले लूँ। सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा, गेजिंग अप एट एन एप्पल ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल। अच्छा, गार्डन वॉल की दूसरी साइड पे दीवार की दूसरी साइड पे जो बाग था, बाग के अंदर दरख्त था, एप्पल ट्री था, उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहते हैं कि आई वंडर इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोस्त, कि अगर इनमें से कुछ एप्पल ले लूँ तो हमारा रास्ते का सामान बन जाएगा। ऑफकोर्स यू कैन, हाँ यकीनन तुम कर सकते हो। सर रोजी, रोजी ने कहा, स्टैंड ऑन माई शोल्डर, यानी कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि निको बॉबी ने उसने रोजी को बता रखा था अपने बारे में, स्टैंड ऑन माई शोल्डर, मेरे शोल्डर पर खड़े हो जाओ। सो निको बॉबी ने स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर्स, निको बॉबिनस रोजी के कंधों पर खड़े हो गए। इंक्लाइंड ऑन टू द वॉल, और दीवार की दूसरी तरफ जो है वो फलांगे। बट द ट्री वॉज फर्दर, अभी क्लाइंब दीवार पर चढ़ गए। बट द ट्री वॉज फर्दर अवे, लेकिन दरख्त जो है वो दिखाई जो दे रहा था उतना करीब नहीं था, वो दूर था देन ही था और जितना उन्होंने सोचा था। एंड एज ही रीच्ड आउट, और जैसे ही वो उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, ही लॉस्ट हिज बैलेंस, और उसने अपना तवाजन खो दिया, यानी कि बैलेंस खो दिया। एंड फेल विद अ क्रैश, और एक ज़ोरदार धमाके से नीचे जा गिरे। डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन, और बहुत ही खूबसूरत जो बाग है उसके अंदर जा गिरे जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। निको बॉबिनस लुक बैक अप एट द हाई वॉल, जब निको बॉबी ने उसे पीछे देखा एक ऊंची दीवार पर, बट देयर वॉज नो वे ही कुड क्लाइंब बैक, लेकिन वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था दोबारा उस पर चढ़ने का कि वो दीवार फलांग कर दोबारा से रोजी के पास जा सकें। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ही येल्ड, वो चिल्लाए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। यू विल थिंक ऑफ समथिंग, तुम कुछ सोच सकते हो, यानी कि तुम कोई रास्ता बना सकते हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। रोजी येल्ड बैक, रोजी ने आगे से चिल्ला कर कहा, क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड, अपने फिंगर्स को क्रॉस करते हुए, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं रोजी की फिंगर्स। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक ट्रेंड है कि जब वहाँ पर कुछ बुरा होने लगता है तो वो अपनी फिंगर्स को इस तरीके से क्रॉस करते हैं, तो यानी कि ये किस कोई बुरा काम होने के उनके हाँ एक साइन है। सो रोजी ने अपनी फिंगर्स को जो है फिंगर्स का क्रॉस बनाते हुए सख्त तरीके से क्रॉस बना लिया, यानी कि उसको टेंशन हो रही थी कि कुछ बुरा होने जा रहा है। ओए, सैड वॉइस बिहाइंड निको बॉबिनस, यानी कि पीछे से किसी कोई आवाज़ आई जिसने निको बॉबिनस को बुलाया। निको बॉबिनस डिडंट स्टॉप टू लुक हु इट वॉज, ही रेन, निको बॉबिनस ने देखा ही नहीं कि वो कौन है, ही रैन, उसने भागना शुरू कर दिया। कहाँ गया, उसने भागना शुरू कर दिया। निको बॉबिनस डिडंट स्टॉप टू लुक हु इट वॉज, ही रेन स्ट्रेट इन टू अ ट्री, यानी कि दरख्त से सीधा आगे की तरफ भागना उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने देखा नहीं कि उन्हें कौन बुला रहा है। टर्न द नेक्स्ट पेज, गॉट यू, तुम्हें पकड़ लिया, सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा। एंड निको बॉबिनस फेल्ट 5 थिक फिंगर्स ऑन हिज नेक, और निको बॉबिनस ने फील किया कि उनकी गर्दन के ऊपर 5 बड़ी थिक किस्म के फिंगर्स हैं। ओ, सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने एक साउंड निकाली, जैसे आप कहते हैं ना कोई आपकी गर्दन पकड़ता है तो आपकी साउंड जैसे निकलती है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा। एंड निको बॉबिनस फेल्ट 5 मोर थिक फिंगर्स राउंड द रेस्ट, और फिर निको बॉबिनस ने 5 मजीद उंगलियाँ महसूस की अपनी
रिस्ट पर, अपनी कलाई पर। बट निको बॉबिनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, लेकिन निको बॉबिनस बजाय इसके कि वहाँ से दूर भागते, डबल्ड हिमसेल्फ अप, अपने आप को गोल किया, घुमाया, कर्व्ड किया एंड वेंट बैकवर्ड्स एज फास्ट एज ही कर्ड, और अपने आप को पीछे ही यानी कि आदमी की तरफ मूव किया जितना वो कर सकते थे, जितना तेज़ी से। जैसे कि आप किसी बच्चे के पीछे भाग रहे हो तो मोस्टली होता है कि वो आपके आगे आगे भागता है, लेकिन निको बॉबिनस ने यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंज काम कर दिया। उन्होंने बजाय इसके कि वो रन अवे होते, दूर भागते, उन्होंने क्या किया, डबल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को यानी कि गोल करके, गर्दन नीचे करके एंड वेंट बैकवर्ड्स और आदमी की तरफ ही बहुत तेज़ी से गए। सो द मैन्स लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम, और आदमी की टांगें उसके नीचे से निकल गई। इसका मतलब यह है कि यानी कि आदमी इस पोजीशन में नहीं था, उसको पता नहीं था कि ये दोबारा से इस तरह से अटैक करेगा, और वो लड़खड़ा गया यानी कि गिर गया। एंड ही लैंडेड इन अ पाइल ऑफ लीव्स, और वो पत्तों के ढेर में जा लगा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, कार्ल रोजी, रोजी ने पूछा। रोज़ी ने पुकार कर उसे कहा, बट शी डिडेंट हियर एनी रिप्लाई, लेकिन उसे कोई जवाब ना आया एक्सेप्ट फॉर द मेन, सिर्फ आदमी के हु ग्रॉल्ड, जो गरा रहा था, चीख रहा था, जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, तुम दोनों ज़रा इंतज़ार करो। ओह डियर सैड रोज़ी, रोज़ी ने कहा, साउंड्स लाइक ट्रबल, ये कुछ गलत हो रहा है, कुछ मसला चल रहा है। एंड शी वॉज़ राइट, और वो बिल्कुल ठीक कह रही थी।